everyone, welcome and welcome back to my channel Deeksha Vlogs and welcome back to yet another haul video. It's been a long time ke maine haul video kiya hai. Main khud miss karne lagi thi haul videos ko. So yahan main layi hu aapke Sarojini ka haul. To last week main gayi thi Sarojini Nagar and wahan abhi summer collection aaya hua hai. Summer collection bahut hi pyara hai wahan pe abhi. सो उसी का मैं ट्राई ऑन आज आपको दिखाने वाली हूँ, जो जो मैंने वहां से परचेज किया था. एंड लिटरली दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस सरोजिनी का. मैं वीकेंड पे गई थी, तो प्लीज आप अवॉइड भी कर सकते हैं वीकेंड पे जाना, बिकॉज वीकेंड पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी लिटरली. एंड एक टाइम के लिए तो मुझे बहुत ज्यादा यूं लगने लग गया था कि चलो भाई अभी शॉपिंग नहीं करनी है यहाँ पे, तो इतना ज्यादा भीड़ और गर्मी, ओ माई गॉड, सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इतनी गर्मी में. तो मेक श्योर कीजिए, अगर आप जा भी रहे हैं सरोजिनी इतनी गर्मी में, तो अपने वाटर बॉटल साथ लेकर जाइए. एंड बहुत लंबे टाइम तक शॉपिंग कीजिए, वहां पे बहुत सारी शॉप्स है. एंड देखने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ, आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें वहां से मिल ही जाएंगी. अभी स्टार्ट करते हैं हमारा ट्राई ऑन हॉल. मैंने काफी सारी चीजें ली है, तो मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ एंड साथ में आपकी प्राइस, साइज सब कुछ आपको बताती हूँ. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस ग्राफिक टी शर्ट. ये टी शर्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और ये टी शर्ट सिर्फ 200 रुपए की मैंने वहां से ली है. काफी अच्छा इसका प्रिंट है, एज यू कैन सी बैक में भी इन्होंने कुछ दिया हुआ है इस साइड पे. एंड इसका यू नो लेबल के साथ में, ये पूरा टैग के साथ में आई थी. अभी मैंने इन सारे कपड़ों को वॉश किया था लाने के बाद में, बिकॉज ट्राई ऑन करने से पहले मुझे वॉश करना ही था. एंड ये कोई ब्रांड है डिज्नी करके, एंड एम साइज में मुझे ये मिला था, बाकी मुझे एस 20 में आ जाता, बट मुझे ना थोड़ी टी शर्ट ऐसे लूज से वेयर करना काफी पसंद है. सो दैट्स व्हाई ये ऑफ व्हाइट कलर में है, व्हाइट कलर में नहीं है, बट दिस लुक्स रियली प्रिटी. इसका मटेरियल ना थोड़ा सा समर एप्रोप्रिएट नहीं है, थोड़ा सा हैवी मटेरियल है इसका, बट चलता है. अगर चीज पसंद आ गई तो समर विंटर कुछ भी नहीं देखना है, बाद में वेयर कर लेंगे, समर्स के बाद वेयर कर लेंगे. बट बेसिकली हल्का सा भी ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, तो आप इस टी शर्ट को वेयर कर सकते हैं इजीली. और थोड़ा सा यू नो टीनेजर वाइब दे रहा है. H&M में भी ऐसे प्रिंट्स मिलते हैं, अगर आपको पता हो तो H&M के प्रिंट्स काफी ज्यादा यूनिक होते हैं. मुझे काफी ज्यादा पसंद है H&M की टी शर्ट्स. और ये वाला टी शर्ट इस कुछ इस टाइप का मैंने आई थिंक पिंक कलर में या बेबी पिंक कलर में H&M में देखा था. एंड यू नो व्हाट, इन टी शर्ट की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा इजी होती है स्टाइल करने में. आप इनको किसी भी लाइट कलर की डेनिम के साथ में वेयर कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर की डेनिम के साथ में. एंड ये इतनी ज्यादा ईजी टू गो होती है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. अगर टी शर्ट्स होती है और इस टाइप की ग्राफिक प्रिंट्स में होती है ना, तो मुझे तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है. जब भी अगर मैं थोड़ा सा भी बाहर निकल रही हूँ, तो कैजुअली आप इनको वेयर कर सकते हैं. कॉलेज गर्ल्स इस तरीके की टी शर्ट्स को वेयर कर सकती हैं. सो नेक्स्ट जो मैं टॉप आपको दिखाने वाली हूँ, वो मेरा फेवरेट टॉप है इस पूरे हॉल में. सो हाँ, ये येलो कलर का टॉप मैंने लिया था आई थिंक शॉप नंबर 198 से. टॉप काफी ज्यादा अच्छा है, कितना रॉयल लुक दे रहा है आप देख सकते हैं. नेक भी इसका बहुत अच्छा है एंड क्रॉप स्टाइल में पूरा ये टॉप है. इसका प्राइस सुन के आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे, ये सिर्फ 100 रुपीज में मुझे मिला था. आई एम सो हैप्पी विद दिस टॉप. ये काफी अच्छा पार्टी वियर ऑप्शन हो सकता है. इसको ब्लैक कलर की बेल बॉटम्स के साथ में आप पहन सकते हैं. अगर दिन में आप कहीं जा रहे हैं, तो ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की डेनिम्स और प्लाजो पैंट्स के साथ में हील्स डाल के आप इसको काफी अच्छे तरीके से वेयर कर सकते हैं. बहुत ही प्यारा टॉप लगा था मुझे और काफी ज्यादा रॉयल लुक था. सबसे अच्छी बात थी कि इसका जो लुक है वो मुझे बहुत प्यारा लगा था. एंड ये टॉप कट स्लीव्स में है, बट ऊपर ये हल्की हल्की सी फ्रिल्स दी हुई है. और टॉप बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारा टॉप है, आई लव दिस. नेक्स्ट मैंने लिया है एक व्हाइट कलर का, एक सेकेंड में खुद नोट्स देखने पड़ेंगे. 2000 years later. प्राइस वगैरह के लिए मैं लिख के रखती हूँ अपने पास, मैं डायरी रखती हूँ. मैं एक इसमें कितने का मैंने टॉप वगैरह लिया है वो सब मैं लिख के रखती हूँ, ताकि मैं भूल ना जाऊं. सो हाँ, एंड वैसे भी 4-5 दिन हो गए हैं गए, तो आते ही मैं सबसे पहला काम ये करती हूँ कि हाँ कौन कौन से टॉप किस प्राइस में लिए हैं वो प्राइस लिख देती हूँ. वैसे कोई भी टॉप 250-200 से ऊपर का नहीं है. टॉप और जो भी चीजें मैंने वहां से ली हैं, कुछ भी इतना महंगा आपको वहां नहीं मिलेगा बेसिकली. बट ऐसा है कि
वहां पे अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है, मैंने देख ली, जैसे मेरे साथ में वहां पे दो चार बार ऐसा हुआ कि कोई चीज मुझे पसंद आ गई, मैं जस्ट उठाने जा रही हूँ, किसी और ने उठा दी और उन्होंने ले ली। सो हाँ, सबसे पहले आप चीजें उठाओ, बाद में उसके डिफेक्ट्स चेक करो, क्योंकि मैं एक चीज उठा के उसके डिफेक्ट्स चेक कर रही थी, इतने में तो बाकी चीजों पे मेरी नजर थी, वो चले गई। सो हाँ, नेक्स्ट टॉप है ये व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप कह सकते हैं, कुछ थोड़ा सा लूज आया है मुझे, ये आई थिंक एल साइज में है, बट टॉप काफी अच्छा था, मुझे ऐसे बेसिक व्हाइट कलर के टॉप्स काफी ज्यादा पसंद है। नेक पैटर्न इसका मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड थोड़ा सा प्रीमियम पैटर्न में है ये, और फुल स्लीव्स में आया है, समर एप्रोप्रिएट हो सकता है वैसे, क्योंकि ये कॉटन का टॉप है, बिल्कुल बहुत ही लूज लूज भी रहेगा थोड़ा, दैट्स वाई मैंने इसको एल साइज में भी खरीद लिया, और क्रॉप पैटर्न में है आई थिंक, बट ये आफ्टर वेयर बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा था, कपड़ा भी काफी अच्छा है, और ये लिटरली टैग के साथ में आया था। मैंने इन सारे कपड़ों को वॉश किया है, एंड मैंने बेसिकली वही टॉप वगैरह उठाए थे जिनके साथ में टैग्स थे। नेक्स्ट जो टॉप है वो है ये ग्रीन कलर का लॉन्ग टॉप, शर्ट बोल सकते हैं इसको, बोल क्या सकते हैं, शर्ट ही है, सॉरी। सो नेक्स्ट है ये ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का शर्ट टॉप, विच आई लव द वेरी वेरी मोस्ट। अगर आप वेकेशंस पे जा रहे हैं, लाइक यू नो आपने क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स वगैरह पहने हैं, तो आप उसके ऊपर डाल सकते हैं धूप से बचने के लिए, दैट्स वाई। और मेरे माइंड में इस टॉप को देखते सबसे पहले यही आया था कि ये बीच अप्रोप्रिएट है, कलर भी बीच अप्रोप्रिएट है पूरा, आप देख सकते हैं। स्लीव्स इसकी 3/4 दी हुई है, एंड काफी फ्रेश था ये टॉप, मुझे बहुत ही प्यारा टॉप लगा था ये, कि बटन्स बंद किए मैंने, अभी आपको ये काफी पैटर्न समझ में आ रहा होगा, और ये भी जस्ट 100 रुपीज में मुझे मिल गया था। नेक्स्ट है ये सेटिन का व्हाइट कलर का शर्ट, मुझे बहुत ही अच्छा शर्ट लगा था पूरा, बहुत प्यारा शर्ट है ये, एम साइज में मुझे ये मिला था, एक्चुअली इस पे साइज नहीं दे रखा है, बट इधर एम का स्टिकर पूरा चिपका हुआ था, तो उस टाइप का टॉप है, फ्रिल आप देख सकते हैं आगे से, तो अगेन ये काफी रॉयल लुक देगा आपको पहनने के बाद में, एंड इसको डेफिनेटली आप फॉर्मल ट्राउजर्स के साथ में वेयर कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस जा रही हैं, ऑफिस पार्टी में जा रही हैं या ऐसा कुछ, तो आप पहन सकते हैं इस टाइप के टॉप्स को। वो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारी लगी मेरे को बचपन से, यू नो आई डोंट नो, लॉन्ग स्कर्ट से इतना ज्यादा प्यार है, और जब मैंने सरोजनी में ये लॉन्ग स्कर्ट देखी तो बस रहा नहीं गया भाई, मैंने खरीद ली, और काफी अच्छी और काफी अच्छा कलर मैंने इसमें लिया, मुझे बहुत ही प्यारा यू नो इसका प्रिंट लगा था। सो ये है 250 रुपीज की, फुल कॉटन में है, और इसका यू नो घेरा भी काफी अच्छा दिया हुआ था, इसको भी आप काफी अच्छे से यू नो स्टाइल कर सकते हैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन के, तो मुझे वो लुक दिमाग में आ गया था एकदम से जब मैं लॉन्ग स्कर्ट खरीद रही थी, तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ में एंड यू नो फिटेड टॉप के साथ में, क्रॉप टॉप के साथ में, तो पूरा स्टाइल मेरे दिमाग में यूं क्रिएट हो गया था। यू नो आप कोई चीज देखते हैं जब आपको अच्छी लगती है, तो आप अपने आप को इमेजिन करने लग जाते हो उसमें, मेरे साथ तो ऐसा हमेशा होता है कि जब भी मैं कोई अच्छी ड्रेस देखती हूँ या मुझे पसंद आती है कोई ड्रेस, तो मैं उसमें अपने आप को इमेजिन करने लग जाती हूँ कि इसमें मैं कैसी लगूंगी। एंड एक मैंने वहां से स्टॉल भी लिया था समर्स के अकॉर्डिंगली, तो ये थोड़ा मेरी लॉन्ग स्कर्ट से मैच होता है, और ये मैंने आई थिंक 80 रुपीज में ही लिया था, बार्गेनिंग वो भैया कर नहीं रहे थे, वैसे मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोज देखती हूँ तो उसमें काफी बताते हैं कि आप बार्गेनिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ मेरे साथ आई डोंट नो ऐसा हुआ नहीं, मुझे बार्गेनिंग करना आता नहीं, या फिर मैं कर नहीं पाई वहां पे, बिकॉज वो लोग साफ मना कर देते हैं कि 100 रुपीज का टैग लग रहा है तो 100 में ही देंगे, 200 में ही देंगे, बट हाँ 200 से ऊपर की चीजें बहुत मुश्किल है कि वहां पे मिलती है, 100-200 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड ये स्टॉल मुझे काफी पसंद आया था, तो यू नो काफी ज्यादा इसका प्रिंट मुझे काफी सुंदर लगा था, एंड इसके एंड में ये ऐसे पॉम पॉम से भी दिए हुए हैं, पॉम पॉम नहीं कह सकते इसको, बट ठीक है पॉम पॉम दिए हुए हैं, तो काफी अच्छा यू नो स्टॉल था ये। एंड जो नेक्स्ट मैं वहां से लाई थी वो है ये ग्रीन कलर का टॉप जो मैंने वेयर कर रखा है अभी, ये टॉप भी आई थिंक मुझे मिला था 100 रुपीज का, इसका मटेरियल बहुत ही समर एप्रोप्रिएट तो नहीं है, समर्स में आप इसको बहुत कंफर्टेबल तो नहीं रहोगे पहन के, बट डेफिनेटली आप इसको रेनी सीजन में ट्राई कर सकते हैं, विंटर्स में ट्राई कर सकते हैं, मुझे इसका कलर इतना ज्यादा प्यारा लगा था, इतना अच्छा लगा था,
मैं अपने आप को रोक नहीं पाई ये वाला टॉप लेने से. जस्ट बिकॉज ये विंटर टॉप है, मैं इसे छोड़ दूं तो ये जस्टिस नहीं होता बिल्कुल भी टॉप के साथ में. सो मुझे ये टॉप भी काफी ज्यादा पसंद आया. तो नेक्स्ट मैंने वहां से परचेज किए थे वो मैंने ये इस तरीके के कुछ फ्रेम्स परचेज किए थे. जैसे इस पे लिखा है प्रे मोर वरी लेस एंड पुश योर सेल्फ नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. सो ये मैंने खरीदा है मेरे हस्बैंड के वर्क टेबल के लिए. उनका वर्क टेबल है उस जगह की वाइब क्रिएट करने के लिए मैंने ये वाले फ्रेम्स उनके लिए खरीदे थे. सो ये मुझे आई थिंक तीनों 200 के पड़े हैं, तीन 200 के. हाँ ये मैंने एक शॉप से खरीदे थे एंड आपको वहां पे बेसिकली फ्रेम्स वगैरह की शॉप काफी मिल जाएंगी. क्वालिटी भी इनकी काफी अच्छी है. बहुत सारे प्रिंट्स थे वहां पे, आप लिटरली कंफ्यूज ही हो जाओगे. तो गाइज दीज आर दी आउटफिट्स एंड दिस इज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल. जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल बटन आइकन ऑल्सो, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी वीडियो आते हैं. एंड अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे भी नहीं फॉलो कर रखा है तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इफ यू वांट टू, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं काफी अपडेट्स डालती रहती हूँ. मेरी डेली लाइफ की अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ. तो आप अगर मुझसे ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. तो नेक्स्ट हॉल भी जल्दी आने वाला है एंड अब हम आपसे लेते हैं विदा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ओके गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून, टाटा बाय बाय. सर 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 कब